आपके साथ एक नया का वीडियो के छोटी सी खुशी है पर आपका स्वागत है। तो गाइस आज एक आपके लिए एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा तो कि जाके आपके थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो आज हम देख सकते हैं, यह है बोया का M1 माइक, तो जो कि मैं अमेजोन से खरीद लिया हूँ बोया का M1 माइक। तो गाइस ये माइक बहुत सारे फीचर्स से भरी है, तो क्या क्या क्वालिटी है क्या क्या नॉन क्वालिटी है तो उसको अनबॉक्सिंग करते हैं और मेरा वीडियो बनाने के लिए बहुत हेल्प होगा, तो इसलिए मैं मंगाया हूँ। ये बहुत सरप्राइजिंग पैक है। तो दोस्तों आज से जो कुछ मैं वीडियो बनाऊँगा इस माइक के साथ वीडियो बनाऊँगा, तो सब कुछ देखने के लिए सब कुछ सीखने के लिए, तो इस माइक का क्या क्या फीचर है तो चलते हैं गाइस अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलो गाइस इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, तो लास्ट में उसका प्राइस क्या पड़ेगा मैं बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड। चलो तो चलो गाइस उसे अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये माइक मुझे टिकटॉक और यूट्यूब में बहुत सारी हेल्प होगी, तो आप जब भी कोई भी माइक खरीदना चाहोगे तो ये माइक मैं रिकमेंड करूँगा, खरीद लो, बहुत अच्छा माइक है। तो चलो देखते हैं क्या क्या अनबॉक्सिंग करते हैं इस माइक को, क्या क्या बाहर आता है, प्राइस ये बाहर आ गया। पैसा तो आता है एक उसने काम देने वाला एक छोटी सी कागज़ का टुकड़ा, उसके बाद आता है बिल। यहाँ पर देख सकते हैं बिल कितना हुआ, 788। ओके तो यहाँ पर आता है देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आता है बोया का M1 माइक, आप लोगो देख सकते हैं, ब्रांड देख सकते उसका बोया का M1 माइक। तो चलो गाइस इस माइक को देखते हैं, ये सारी सब कुछ देखते थे क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। तो पहले तो बाहर आएगा एक छोटी सी थैली और यहाँ पर आता है एक स्टोरी मैनुअल, आप माइक को देख सकते हैं स्टोरी करके आप किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं गाइस आप ये माइक जो है ना, थोड़ी मैं दिखा देता हूँ, और एक पेपर है क्या है उसे, छोटी सी इंस्ट्रूमेंट्स ले कार है। ओके तो गाइस ये आता है, देखो पहले आता है ये माइक और ये पाउच और ये छोटी सी बॉक्स पर क्या आता है देख सकते हैं, पॉलिथीन पर एक माउस पैक दिया है और ये क्लिप और ये DSLR और जो देख सकते किसी के कनेक्टर है, तो ये बैटरी दिया है। ओके तो ये माइक की खासियत क्या है कि यहाँ पर देख सकते डाउन और सॉरी हम देख सकते डाउन और ऑफ, ये स्मार्टफोन कैमरा के लिए है और ये DSLR के लिए है। इस माइक का खासियत ये है, तो ये माइक जो है ना ये बहुत सारी साउंड रिकॉर्डिंग को क्लियर से आपके साथ प्रोवाइड कर देगा। मैं अभी जो रिकॉर्डिंग करना होता हूँ वो बिना माइक के है, ओनली फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ। तो चलो उसको इंस्टॉल करके रिकॉर्डिंग करते हैं क्या होता है। ओके तो बैटरी में डाल दिया हूँ तो इसलिए मैं कनेक्ट कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं DSLR का कैमरा है और स्मार्टफोन में मैं तो स्मार्टफोन से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं स्मार्टफोन मोड ऑन कर दिया हूँ, तो आप इसको असेंबल कर देते हैं। देखो ओके तो ये रहा पिन,
पिन जो यहाँ पे लिखा है, पिन को भी मैं असेंबली कर देता हूँ। तो यहाँ पर सब कुछ हो गया असेंबली। तो ये वाइट जो दिया है ना, तो लगभग देख सकते हैं यहाँ पर कितना दिया है। तो लगभग 3 से 4 मीटर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो गाइस, इस माइक के साथ थोड़ी साउंड का टेस्टिंग कर रहे, तो थैंक यू, लंबी वीडियो हो गई। चलो इस माइक को साथ साउंड का क्वालिटी चेक करें कैसे होता है। तो गाइस देख सकते हैं, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो माइक के है जो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा था, ये बोया का M1 माइक जो मैं जो अनबॉक्सिंग करता था बिना माइक के साथ मोबाइल में रिकॉर्डिंग आपके साथ में कर रहा था। तो आप देख सकते हैं ये जो माइक मैंने अटैच किया है, तो साउंड क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो अरे तेरी तो ये जो क्लिप दिया ना, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लिप है, सारी चीज दबाई नहीं जाती। तो गाइस देख सकते हैं उसका साउंड क्वालिटी। और जो जब भी आप टिकटॉक खोज और यूट्यूबर है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा जब जो भी यूट्यूब आप क्रिएट करते हैं तो इस तरह का माइक आप लेना चाहिए, तो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बाहर के नॉइज़ भी उसमें नहीं जाता और अंदर का सारी ऑडियो क्वालिटी बहुत क्वालिटी देता है उस ये वाला माइक। तो थैंक यू फ्रेंड्स उस वीडियो देखने के लिए। तो गाइस अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आप जल्द से जल्द इस माइक के साथ काम करें।